द हिंदू के 17 जनवरी का पहला एडिटोरियल भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर के जो तनाव चल रहा है उस पर आधारित है। इस पूरे एडिटोरियल को हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे, उससे पहले हम लोग इसमें आने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। एक वर्ड आया हुआ है इसमें टॉक, टॉक का अर्थ है बातचीत। रेज का अर्थ होता है उठाना। इशू यानी मुद्दा, अगेन यानी फिर दोबारा। UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के लिए यूज़ होता है और इसका अर्थ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और अपोज यानी विरोध करना, व्हाइल जबकि। इंटरनेशनलाइजिंग का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। और डिस्प्यूट यानी विवाद, इंगेज यानी संलग्न। और डिसीजन का अर्थ है फैसला। प्रॉम्प्ट यानी प्रेरित करना, प्रोटेस्ट यानी विरोध, रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया, और रिफ्रेन का अर्थ होता है बचना। वहीं बायलेटरल का अर्थ होता है द्विपक्षीय। एक्यूज यानी आरोप लगाना, बिहेस्ट यानी आज्ञा मानना, किसी के कहने पे कुछ करना, और पॉइंट आउट यानी इशारा करना। ओवरवेलम का अर्थ होता है जबरदस्त। और यहाँ पर अगला शब्द है हमारे पास मेजॉरिटी, बहुमत। रेफरेंस यानी संदर्भ, कंडीशंस यानी शर्तें, रिजल्टेड यानी कि उसका परिणाम जो हुआ, परिणाम स्वरूप, कंसेंसस यानी आम सहमति, और स्टेटमेंट का अर्थ होता है बयान, अकॉर्ड यानी समझौता, और रेस्ट यानी टिका हुआ, केस का अर्थ है मामला यहाँ पर, और रिजॉल्व यानी सुलझाना। एक वर्ड आया हुआ है रिपीटेड, उसका अर्थ दोहराया गया। इंक्लूड्स का अर्थ होता है शामिल। अबॉर्ट यानी बीच में बंद कर देना किसी चीज को। अटेम्प्ट यानी प्रयास, और कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक। इम्पैक्ट यानी प्रभाव, और पुश यानी धक्का देना। डिफाई का अर्थ होता है अवहेलना करना, उसको नज़रअंदाज करना। और फ्रेंडली यानी अनुकूल, यानी मित्रतापूर्ण। और लिफ्ट यानी कि उठाना। इसके बाद जो शब्द हैं उसमें है रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध, रोल बैक करना यानी समेट लेना उस चीज़ को, मेजर्स यानी उपाय, और सिमिलर यानी उसके समान। अनफेयर अनुचित, और कंसर्न का अर्थ होता है चिंता। स्टेज यानी मंच, और स्पेशली यानी विशेष रूप से, खास करके। ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर, और विजिटिंग यानी कि दौरा करना, विजिट करना यानी दौरा करना। अनवॉरंटेड अनुचित, और मूव यानी चाल, और येट अभी तक। हीड का अर्थ होता है सावधान होना, और कंटिन्यूइंग यानी जो अभी तक चल रहा हो, जारी है। अनप्रेसिडेंटेड यानी जो पहले नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व। और क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। प्रायर यानी पूर्व, और विदिन का अर्थ होता है अंदर। पीरियड यानी अवधि। और इसके बाद जो शब्द है वो है स्टेटमेंट यानी कि बयान, और फैक्ट यानी तथ्य। ब्रश अवे किसी चीज़ को दूर करना, हटाना। ड्यूअलिटी यानी द्वंद्व, दो तरफा जो चीज़ चलती है। और इंसिस्ट यानी जोर देना। वहीं रिजेक्ट का अर्थ होता है खारिज कर देना उस चीज़ को। और नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण किसी चीज़ का। टाइज यानी संबंध, और सीम यानी लगता है, मालूम पड़ता है। रिव्यू यानी समीक्षा करना। रिलीज यानी रिहा करना। और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। और प्रिजनर्स का अर्थ हुआ कैदी। रिस्टोर्ड यानी बहाल, और सेलेक्ट यानी चुनना। इनवॉइस यानी दूत, और प्लान यानी योजना। रीजन क्षेत्र को कहते हैं, मेजर्स उपायों को, और ड्रिप्स एंड ड्रैप्स का अर्थ होता है किश्तों में, थोड़ा थोड़ा करके। और कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ व्यापक, और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, और रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध। हीलिंग यानी राहत, किसी चीज़ की चिकित्सा। वर्ड्स का यूज़ अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो वो और भी अच्छी तरह आपको याद रहेंगे। इस वीडियो में मैंने इस पूरे एडिटोरियल को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझाया है। इस पूरे एनालिसिस को ज़रूर देखिए, ये आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और एक बेहतरीन दिन बिताइए। शुक्रिया।